नमस्कार दोस्तों, मैं नॉर्मली मूवी का रिव्यू नहीं करता, कोई भी मूवी का रिव्यू आज तक मेरे चैनल पे नहीं किया, लेकिन दोस्तों एक मूवी आज मैं देखने के बाद आई एम जस्ट शॉक्ड कि ये मूवी कैसे इंडिया में बनाया है, हाउ द थिंकर हाउ द डायरेक्टर थॉट अबाउट दिस मूवी, और लिखा कि किसने है, ऐसे कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपके सामने एक मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ, वो है दृश्यम 2। जी हाँ दोस्तों, दृश्यम 2, जो दोस्तों दृश्यम 2 जो हम लोगों ने 2013 में मलयालम मूवी है एक दृश्यम 1, ठीक है, उसको रीमेक किया गया है हिंदी में, जो अजय देवगन का स्टारिंग था। एंड सो दृश्यम 2 दोस्तों, हम लोग आज 19 फरवरी है एंड 19 फरवरी आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो इसलिए वीकेंड का मसालेदार मूवी आ गया। दृश्यम 2 में दोस्तों डायरेक्टेड बाय सेम डायरेक्टर हु डायरेक्टेड द फिल्म दृश्यम 1। द डायरेक्टर आपको आप जानते हैं खुद, डायरेक्टर जीतू जोसेफ का डायरेक्शन कितना अच्छा था, आप अगर मलयालम मूवी देखे हो दृश्यम 1 तो आपको पता चलेगा। तो दोस्तों जीतू जोसेफ का डायरेक्शन, साथ में कास्ट दोस्तों मोहनलाल, और क्या चाहिए, मतलब इन दोनों कॉम्बिनेशन इज लाइक ऑसम, मतलब फैंटास्टिक, मसालेदार मूवी था दोस्तों, मसालेदार मूवी, आपको थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देगा, लास्ट तक थ्रिल मिलेगा आपको। एंड दोस्तों मैं एक बात पे बहुत ही शौक रहा कि दोस्तों सीक्वल मूवी अच्छा नहीं होता, आप देखे आप धूम 1 कैसा था एंड धूम 2 धूम 3 कैसा था, तो दोस्तों देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द सीक्वल एंड द फर्स्ट फिल्म, लेकिन दृश्यम 1 अगर 19 है तो दृश्यम 2 20 है, मतलब 19-20 का लड़ाई। तो दोस्तों ये दृश्यम 2 का कहानी सेम जहां से दृश्यम 1 खत्म होता है, सेम उधर से दृश्यम 2 शुरू होता है, सेम कास्ट, सेम डायरेक्शन, सेम सिनेमाटोग्राफर, इतना हाई क्लास एक्टिंग मोहनलाल का, हाई क्लास एक्टिंग पूरे कास्ट का, हाई क्लास एक्टिंग। उसके बाद दोस्तों डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्टर जो जीतू जोसेफ है उसको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए दृश्यम 2 के लिए, जैसे दृश्यम हिंदी को, हिंदी जो एडेप्टेड किए थे दृश्यम अजय देवगन को, इसलिए नेशनल अवार्ड मिला था फॉर द बेस्ट एक्टर। दृश्यम 2 का डायरेक्टर जीतू जोसेफ को बेस्ट डायरेक्टर आपको मिलना चाहिए, ऐसा इतना अच्छा मूवी लगा मुझे। तो दोस्तों अभी मैं बात करता हूं बाकी कास्ट, सेम कास्ट दोस्तों, जैसे अंजू था वो लड़की जो थे, सेम कास्ट यहाँ पे, जो भी कास्ट दृश्यम 1 में था सेम कास्ट दृश्यम 2 में लिया गया है। एंड आफ्टर 6 ईयर्स स्पैन करने के बाद, आफ्टर 6 ईयर के बाद ये स्टोरी दिखाया, एंड स्टोरी आपको लास्ट तक, अंत तक मूवी को इतना मसलदार बनेगा, इतना अच्छा लगेगा आपको। और ये 2 घंटे 30 मिनट्स का मूवी है, म्यूजिक ऑसम, म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक इज जस्ट थ्रिलिंग म्यूजिक ऑसम। पहले दोस्तों ये दृश्यम 2 मैंने सोच के लगा था कि यार ये तो थिएट्रिकल रिलीज होगा तो कैसे हम लोग थिएटर में जाएंगे इस पैंडेमिक के दौरान, लेकिन दोस्तों Amazon प्राइम वीडियो में ये मूवी आज रिलीज हुआ 19th of 19 January, एंड द रिव्यूज फ्रॉम द क्रिटिक्स आर ऑल्सो ऑसम। तो दोस्तों आप जरूर देखिए, मैं आपको बोलूंगा ये मूवी दृश्यम 1 अगर आप देखे तो दृश्यम 2 जरूर देखिए। तो दोस्तों मैं इतना आपको गारंटी दे सकता हूं कि जो दृश्यम 1 का हिंदी अडैप्शन किया गया है, सेम दृश्यम 2 का भी हिंदी अडैप्शन किया जाएगा वापस, आप इतना लिख लीजिए। साउथ इंडियन का मूवी सीक्वल मूवी जैसे बाहुबली 1, बाहुबली 2, इतना अच्छा मूवी होता है, ठीक है, आई मीन दे आर राइटिंग, दे आर एक्टिंग स्किल, दे आर कास्टिंग डायरेक्टर कितना अच्छा है, बोलो किस किस को कास्ट करेंगे, किस किस को कास्ट नहीं करेंगे, ऑसम। तो दोस्तों ये मूवी में स्पॉइलर अलर्ट है वो मैं आपको दे नहीं सकता, नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं दूंगा तो यू विल नॉट एंजॉय द मूवी। तो दोस्तों मैं स्पॉइलर कुछ भी नहीं, नो स्पॉइलर नथिंग, मैं इतना आपको बोलूंगा कि ये मूवी जरूर देखिए। इसमें से मैं एक्टिंग में दूंगा सभी एक्टर्स को 10 में से 10, डायरेक्टर को दूंगा 10 में से अगर 20 दे दो, जीतू जोसेफ को 20 दे दूंगा, सिनेमाटोग्राफर को भी 10 में से 10 दूंगा मैं। उसके बाद दोस्तों इसका म्यूजिक जो मेन पॉइंट था इस मूवी का, 10 में से इसको भी 20 दूंगा मैं म्यूजिक डायरेक्टर को, इतना अच्छा था। और मोहनलाल का एक्टिंग तो लाजवाब, मलयालम मूवी, मोहनलाल उदाउट मलयालम इज नथिंग। तो दोस्तों ये सारे सब कुछ मैं जो आज आपको बताया इस किंडर यू चैनल में, अगर आपको अच्छा लगा मूवी देखने के बाद तो प्लीज जरूर जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में ऐसे और भी बहुत कुछ नया हम लोग लेके आने वाले हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते, जरूर एंजॉय कीजिए, बहुत ही एंजॉय कीजिए ये मूवी, ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।